देश के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने सिर्फ रजत दलाल ही नहीं कर दिया एलविश यादव को भी रोस्ट। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर को लेकर दिया ऐसा जवाब। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। ध्रुव राठी के बाद एक बार फिर अब कैरी मिनाटी ने रजत दलाल और एलविश यादव को रोस्ट कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एलविश और रजत के फैंस मानते हैं। दरअसल एक वीडियो आउट हुआ है रजत दलाल पर रोस्ट करते हुए कैरी मिनाटी ने बहुत सारे जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए हैं पॉपुलैरिटी पर, कंट्रोवर्सी पर और फेम लेकर, या फिर 6-6 महीने में गाड़ी बदलना हो। ऐसा माना जा रहा है कि UK07 राइडर एलविश यादव और रजत दलाल तीनों को एक साथ रोस्ट किया है कैरी मिनाटी ने। क्या कुछ कहा है कैरी ने, इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। लड़ाई पे लेके रीले बना रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई करके एक दूसरे को लोकेशन पे बुला रहे हैं और फिर खुद ही कॉम्प्रो करके भाईचारा दिखा रहे हैं। अरे नाम क्या था तेरा यार, मैक्सट्रॉन? अबे जिसका कॉम्प्रो करवा रहा है उसका नाम तो जान ले, क्या नाम है इसका? अरे यार राजू, रजत, रायचू, रजत दलाल, दीपक कलाल, रजत, माइटी रजत। तो माइटी राजू कुछ दिन पहले मैकडोनल्ड्स गए थे। भाई ये मेरे को कह रहा है मैगडी में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। पर इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की। हाँ भाई मिस्टर राजू निकल गई हवा बाजी, खुद के कलेश खत्म नहीं हो रहे, दूसरों के कॉम्प्रो करवा रहा है। तो ये था वैसे तो कैरी मिनाटी का रोस्ट। इस रोस्ट में कैरी मिनाटी ने साफ कहा है कि कुछ लोग 6 महीनों की भाड़े पर गाड़ी लाकर अपना पॉपुलैरिटी और अपनी हाइप दिखाते हैं, कुछ लोग फेक कंट्रोवर्सी करके भाईचारा ऑन टॉप करते हैं। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट में एलविश यादव और एमएक्सटेन के बीच में ये फाइट हुई थी जिसमें भाईचारा ऑन टॉप का नारा दिया था एलविश यादव ने, और रजत दलाल को तो ब्रूटली रोस्ट ही कर दिया कैरी मिनाटी ने। ये कह दिया कि रजत दलाल तो खुद अपने मसले सॉल्व नहीं कर पाते हैं लेकिन वो जाते हैं दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में कैरी के इस रोस्ट पर, कैरी के इस जवाब पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।